मोहतरम इस्लामी भाइयो, अभी मैं आपके सामने जो दर्स पेश करने जा रहा हूं उसका उन्वान है इस्लाम किसके लिए। अगर किसी को उर्दू ना आए तो आप इंग्लिश में अपनी ज़बान में लिख ले सकते हैं। उन्वान क्या है? इस्लाम इसके लिए। दर्स शुरू करने से पहले आप जो है इंशाल्लाह गौर से सुनेंगे और आप जो है दर्स को नोट करते जाएंगे इंशाल्लाह। इस्लाम किसके लिए, ये जो दर्स आपके सामने पेश किया जा रहा है इसका एक ख़ास मकसद है। वो मकसद क्या है? अक्सर गैर मुस्लिम क्या समझते हैं इस्लाम किसका दर्स है, इस्लाम दीन इस्लाम किसके लिए है? मुसलमानों के लिए। गैर मुस्लिम समझते हैं, आप किसी भी एक हिंदू से पूछे कि दीन इस्लाम किसके लिए है तो वो कहेगा मुसलमानों के लिए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसके नबी हैं तो कहेगा मुसलमानों के लिए। ऐसे ही आप ईसाई से पूछेंगे तो वो भी यही बताएगा कि इस्लाम क्या है, मुसलमानों के लिए है, और ईसाइयत क्रिश्चियनिटी वो क्या है, ईसाइयों के लिए। तो इस तरीके से गैर मुस्लिमों के जहन में बैठा हुआ क्या ये हकीकत है, सही है? सही नहीं। चलिए, अगर गैर मुस्लिम के जहनों में ये बात बैठी है तो उतनी ताज्जुब की बात नहीं है, इसलिए कि उन्हें मालूम नहीं है। लेकिन बहुत से मुसलमानों से भी आप पूछेंगे, अक्सर मुसलमानों से पूछेंगे आप, तो वो भी यही बताएंगे कि इस्लाम मुसलमानों के लिए है, अल्लाह जो है मुसलमानों का माबूद है, मुसलमानों का खुदा है, और हिंदुओं के लिए खुदा कोई और है, ईसाइयों के लिए कोई और है, सिखों के लिए कोई और है, इस तरीके से मुसलमान भी आप बोलेंगे। तो इसलिए सबसे पहले हम जो दावती काम करना चाहते हैं, हम जो है इस दावती काम करने से पहले हम अपने जहन में इस बात साफ कर ले कि जिस दीन के मुताबिक हम चल रहे हैं, जिस दीन की दावत देने के लिए कोशिश कर रहे हैं, ये दीन क्या है, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है बल्कि किसके लिए है, सारे इंसानों के लिए। तो सिर्फ सारे इंसानों के लिए है ये जबान से बोलने से नहीं चलेगा, बल्कि इसके लिए जो दलाइल है कुरान और हदीस में बहुत से दलाइल है। चंद दलाइल के जरिए से मैं इंशाल्लाह आपके सामने बताऊंगा कि इस्लाम किसके लिए है। आइए सबसे पहले लिखिए, इबादत, सूरह नंबर 2 आयत नंबर 21। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहन नास उबुदू रब्बकुम। सूरह नंबर 2 आयत नंबर 21 में अल्लाह ने कहा, या अय्युहन नास उबुदू रब्बकुम, क्या है लोगो तुम अपने रब की इबादत करो। तो हुक्म देने वाले कौन है? अल्लाह ताला है। किसको हुक्म दे रहे? अन्नास। अन्नास के माने हैं सारे लोग, नास के माने हैं लोग, पीपल्स।
तो अल्लाह ताला लोगों को हुक्म दे रहे हैं, किस बात का हुक्म दे रहे हैं? इबादत का हुक्म दे रहे हैं। क्या है लोगों, तुम अपने उस रब की इबादत करो जिसने तुमको पैदा किया और तुमसे पहले लोगों को पैदा किया। तो यहाँ पे अल्लाह तबारक व ताला क्या अपनी इबादत का हुक्म खास मुसलमान को दे रहे हैं या किसी खास फिरके को, जमात को दे रहे हैं, या एक सारे लोगों को दे रहे हैं? सारे लोगों को दे रहे हैं। तो आप इस चीज पे गौर करेंगे, अन्नास के माने क्या है? लोग हैं। तो यहाँ पे अल्लाह तबारक व ताला ने अपनी इबादत का हुक्म सिर्फ मुसलमानों को नहीं दी है, बल्कि किसकी दी है? सारे लोगों को दी है। तो क्या सारे लोगों को मालूम है कि उन्हें अल्लाह अल्लाह ताला ही की इबादत करनी है? मालूम है? नहीं मालूम। तो अल्लाह तबारक व ताला ने कहा कि अल्लाह ताला की इबादत सारे लोगों को करना है। तो इस चीज को मुसलमान भी समझना है, गैर मुस्लिम भी समझना है। तो मालूम हुआ कि अल्लाह किसका रब है? सारे इंसानों का, सबका रब है। सूरह नंबर 1 आयत नंबर 1, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सबसे पहले आयत हम बार बार अपनी नमाजों में पढ़ते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला वो क्या है? सारे आलमों का रब है। चलिए उसके बाद नंबर 2, रिसालत। अल्लाह ताला के ताल्लुक से बतलाने के लिए हर जमाने के अंदर कौन आए हैं? अल्लाह के पैगंबर आए हैं, अंबिया आए हैं। तो सबसे आखिर में कौन आए हैं? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं। सूरह नंबर 7 आयत नंबर 158, قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا। اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو میں تم تمام کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو اس میں بھی کیا لفظ استعمال کیا گیا ہے؟ الناس کا لفظ ہے، جس کے معنی کیا ہے؟ क्या सिर्फ मुसलमान हैं? बल्कि अन्नास के माने लोग हैं। लोगों से मुराद मुसलमान, गैर मुस्लिम सभी जो है उसके अंदर आ जाते हैं। तो अल्लाह तबारक तआला ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को, आपकी तालीमात को क्या सिर्फ मुसलमानों के लिए खास किया है या सारे इंसानों के लिए बताया है? सारे इंसानों के लिए बताया है। और क्या ये चीज सारे लोगों को मालूम है? नहीं मालूम है। चलिए सारे मुसलमानों को मालूम है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमान के लिए भी है, गैर मुस्लिम के लिए भी है। अल्लाह के नबी का तरीका इख्तियार करने से जन्नत में जाएंगे, जहन्नम से बचेंगे। क्या मुसलमान भी, गैर मुस्लिम सबके लिए है? ये क्या चीज सबको मालूम है? नहीं मालूम। तो इस दलील से हमें मालूम हुआ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो रिसालत है, आपकी नबुवत है, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि किसके लिए है? सारे इंसानों के लिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितने भी पैगंबर आते थे वो किसी खास कौम के लिए, किसी खास जो है जबान वालों के लिए आते थे, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा बुइस्तु इलन नासी काफतन, मैं तमाम लोगों के लिए भेजा गया हूँ। और सही मुस्लिम की रिवायत है बुइस्तु इलल अहमर वल अस्वद, मैं गोरे और काले यानी सारे लोगों के लिए रसूल बनाकर भेजा गया हूं। तो क्या ये चीज सब लोगों को मालूम है? नहीं मालूम है। बस बाज मुसलमानों को मालूम है, अक्सर मुसलमानों को भी नहीं मालूम है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे मुसलमानों के साथ साथ सारे इंसानियत के लिए है, ये चीज मालूम नहीं है। चलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई कौन सी किताब उतारी गई है? जी कुरान मजीद, सूरह नंबर 2 आयत नंबर 185।
شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس للناس کا لفظ آیا دیکھیں آپ للناس کے معنی کیا ہے لوگوں کے لیے تمام لوگوں کے لیے رمضان کے بابرکت مہینے میں قرآن کا نزول ہوا ہے اور وہ قرآن کون سی کتاب ہے ہدل للناس سارے لوگوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے کتاب اللہ اللہ کی جو کتاب ہے وہ بھی کیا ہے صرف کسی خاص قوم کے لیے صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ سارے لوگوں کے لیے بھیجی گئی ہے کیا یہ بات بھی سب لوگوں کو معلوم ہے کہ اللہ کی کتاب جو آخری کتاب فائنل کتاب ہے مسلمانوں کے ساتھ ساتھ سارے انسانوں کے لیے سب لوگوں کو یہ چیز معلوم ہے معلوم نہیں ہے بلکہ کسے معلوم ہے تھوڑے سے مسلمانوں کو معلوم ہے اکثریت کو معلوم نہیں چلیے اس کے بعد ان تینوں کو ماننے والے کون ہیں یعنی اللہ کی عبادت کرنے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی ماننے والے اور آپ پر جو کتاب اتاری گئی قرآن مجید وہ قرآن مجید سب کے لیے ہے ان چیزوں کو ماننے والے عمل کرنے والے کون لوگ ہیں مسلمان ہیں اب ہم جانتے ہیں کہ مسلمان کس کے لیے اس سے پہلے ہم نے معلوم کیا کہ اللہ کیا ہے سب کا معبود ہے سب لوگوں کو اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سارے لوگوں کے لیے ہے یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے لوگوں کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجے گئے ہیں آپ پر جو کتاب اتاری گئی ہے وہ کتاب بھی کسی خاص کے لیے نہیں ہے خاص قوم کے لیے نہیں ہے بلکہ سارے لوگوں کے لیے ہے تو ان تینوں کو ماننے والے کون ہیں مسلمان ہیں تو مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا صرف مسلمانوں کے لیے بھیجا ہے کہ ان کے پیچھے محنت کرے ان کے اصلاح کرے جو کچھ ہم محنت کرے صرف مسلمانوں کے لیے کرے اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو پیدا کیا ہے نہیں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 110 کنتم خیر امت اخرجت للناس یہاں پر بھی دیکھیے کیا آیا ہے للمسلمین آیا ہے للناس الناس کے معنی سارے لوگ تو ان تینوں کو ماننے والے مسلمان ہیں اور مسلمان بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام ہمارے لیے ہے ہم جو کچھ محنت کریں گے صرف مسلمانوں کے لیے محنت کریں گے ہمارے صبح شام کے درس مسلمانوں کے لیے ہے جمعہ کے خطبات مسلمانوں کے لیے ہیں ماہانہ اجتماعات اور سالانہ اجتماعات مسلمانوں کے لیے اور جو کچھ ہم لٹریچر تیار کرتے ہیں وہ بھی مسلمانوں کے لیے ہے تو پھر غیر مسلموں کے لیے کیا ہے یہ چیز کیا ہے ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو پیدا کیا ہے ان کی زندگی کا مقصد کیا ہے اللہ نے کہا اخرجت للناس مسلمانوں کو اللہ نے کس کے لیے نکالا ہے لوگوں کے لیے نکالا اور ان کی ذمہ داری کیا ہے تأمرون بالمعروف تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو وتنہون عن المنکر اور تم لوگوں کو برائی سے روکتے ہو یہ مسلمانوں کی ڈیوٹی ہے اور ذمہ داری ہے کیا ذمہ داری ہے نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے بھی جو دنیا کے اندر پیدا کیا ہے وہ بھی کیا ہے سب کے لیے اب یہاں پہ کتنی افسوس اور تعجب کی بات ہے دیکھیے کہ ان سب چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر صاف طور پہ سارے لوگوں کے لیے قرار دیا سارے لوگوں کے لیے بھیجا اس کے باوجود چلیے غیر مسلم اس کو معلوم نہیں ہے وہ قرآن نہیں پڑھا ہے تو وہ سمجھے کہ یہ سب مسلمانوں کے لیے ہے تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے یہاں پہ سب سے بڑی افسوس اور تعجب کی بات ہے کہ ان تمام کو جو ہے جاننے والے اپنے پاس قرآن رکھنے والے اپنے پاس نبی کی سنت رکھنے والے
वो भी जो है ये समझे कि क्या सिर्फ ये तमाम चीजें मुसलमानों के लिए है, तो ये क्या है, कितनी ताज्जुब की बात है। तो यहाँ पे हमें इस दर्स के जरिए से अपने जहन को साफ तौर पे ये चीज हमारे अपने जहन में बिठा लेना है कि ये तमाम चीजें किसके लिए है, सारे इंसानों के लिए है। तो ये तमाम चीजें सारे इंसानों के लिए जो बताई गई है, हकीकत में क्या है, जिम्मेदारी है। क्या जिम्मेदारी है कि ये तमाम चीजें सारे इंसानों के लिए है, तो जो चीज जो लोग इन तमाम चीजों को जानते हैं उनकी जिम्मेदारी है कि ये उन लोगों तक पहुंचाए जो इसको नहीं जानते। अगर वो लोग इन चीजों को गैर मुस्लिमों तक यानी जिन तक पहुंचाना है उन तक नहीं पहुंचाएंगे तो क्या जो है अल्लाह तबारक ताला के अजाबात आ सकते हैं, अल्लाह की तरफ से क्या कार्रवाई हो सकती है, इंशाअल्लाह इसके बाद के दर्स में बताया जाएगा। तो इसमें हमें गौर करने की बात है कि मुसलमान कितने गफलत में हैं कि ये तमाम चीजें अपने पास रखते हैं और कुरान में अल्लाह ताला ने साफ तौर पे कहा है कि सारे लोगों के लिए है, इसके बावजूद भी मुसलमान इतने गफलत में हैं और जो कुछ उनकी मेहनत चल रही है किसके लिए चल रही है, सिर्फ मुसलमानों के लिए चल रही है। इन तमाम के लिहाज से क्या होना चाहिए आप बताइए, इन तमाम के लिहाज से क्या होना चाहिए, ये तमाम चीजें सब लोगों तक पहुंचनी चाहिए, यानी एक मुसलमान के साथ साथ गैर मुस्लिम को मालूम होना है कि अल्लाह की इबादत उसको भी करना है। अगर वो भी जन्नत में जाना है तो अल्लाह की इबादत करना है, अगर वो अल्लाह की इबादत नहीं करेगा तो जन्नत में नहीं जा सकता है। ऐसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को भी आम करना है और आप पर जो किताब उतारी गई कुरान मजीद को भी जो है सारे लोगों तक पहुँचाना है। और मुसलमानों को अल्लाह ताला ने जिस मकसद के लिए पैदा किया है वो क्या है, तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकना। तो इन तमाम चीजों से आपको समझ में आ गया कि इस्लाम किसके लिए क्या जवाब है, इस्लाम सारी इंसानियत के लिए है। तो आप इस चीज को जो है आप चूंकि गौर से सुने अल्हम्दुलिल्लाह आप समझे भी होंगे, तो आप सबसे पहले अपनी जबा अपने जहन से निकाल देना है कि इस्लाम मुसलमानों के लिए। हम जब दावत भी देने के लिए जाते हैं तो हम क्या कहते हैं, हमारा कुरान, हमारा अल्लाह, हमारे नबी कहते हैं। हम अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह के नबी को मानते हैं, आप पर ईमान है, हमको इस्लाम से मोहब्बत है, हमारा कहने में कोई गलत नहीं है, लेकिन सिर्फ हमारा अल्लाह, सिर्फ हमारे नबी, सिर्फ हमारी किताब कुरान मजीद, अगर ऐसा अगर हम समझते हैं तो ये क्या है, बिल्कुल गलत चीज है। एक तो हमें भी साफ करना है, दूसरी चीज जो है हम इनफरादी तौर पे और इज्तिमाई तौर पे बहुत से अपने मुसलमान भाइयों को भी जो है इस दर्द के जरिए से हमें समझाना है कि इस्लाम क्या है, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है बल्कि सारी इंसानियत के लिए है। चूंकि वक्त खत्म हो चुका है, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे आपको अल्लाह ताला के दीन को सारे इंसानियत तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।